खुशहाल होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बर्थडे ब्लॉग। बर्थडे किसका है तो मैं आपको बताऊँ, मेरे बेटे का बर्थडे है। और इसमें मैंने क्या क्या रेसिपीज बनाई हैं, कैसे मैंने होममेड केक बनाया है, मैं सारा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इसमें ना मैं आपको अपने बच्चों को नहीं दिखा पाऊंगी। एक्चुअली क्या है, हर कोई कैमरा फेसिंग नहीं होता है, अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। आई होप कि जो लोग कैमरा फेसिंग नहीं होंगे वो समझते होंगे इस बात को। तो मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा कैमरा फेसिंग को पसंद नहीं करते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ में, या मतलब ऐसे भी वो कभी भी पिक्चर्स लेनी हो, कहीं भी हम जाते हैं पिक्चर्स भी लेनी हो, तो पता नहीं कितनी बार उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि बच्चों आ जाओ देख लो ये, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे दोनों ही बच्चों को फोटोज़ पिक्चर्स वीडियोज़ में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन हो सकता है कि जैसे जैसे हल्के बड़े होंगे तो अपने आप उनको समझ आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल वो कैमरे में नहीं आना चाहते हैं, तो इसीलिए अब मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या रेसिपीज़ बनाई हैं। और मेरा बहुत मन है कि मैं पूरा सेलिब्रेशन दिखाऊँ, लेकिन हो सकता है कि भाई बच्चे नहीं पसंद करते हों तो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर देखते हैं कि मैं आज बर्थडे में स्पेशल क्या क्या रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ। तो केक को मैंने सुबह सुबह बना के रख लिया था और अब शाम के टाइम में इसे डेकोरेट कर रही हूँ। केक को बनाना बहुत ही आसान है और घर पर बहुत ही डिलीशियस केक बन के तैयार हुआ था। चलिए मैं इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। केक डेकोरेशन करने के बाद में अब मैं यहाँ पर रेसिपीज़ बना रही हूँ। रेसिपीज़ में मैंने छोले और चावल, पनीर ग्रेवी, ये सब चीज़ें तो बना के रख ली हैं। अभी मैं मंचूरियन की ग्रेवी बना रही हूँ। मंचूरियन में देखिए मैंने शिमला मिर्च प्याज लिया है और साथ में लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। बाकी सारी इसमें सॉसेज हो गई, जैसे सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई, टोमेटो सॉस हो गई, और साथ में मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी ली है। और देखिए इन सबको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसी तरीके से ना बड़ी आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके बॉल्स तो मैंने पहले ही बना के रख लिए हैं, बाकी ग्रेवी भी अब मैं तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ग्रेवी बना के तैयार कर ली है और जो मंचूरियन बॉल्स पहले से बना के रखे थे उन्हें भी मैंने मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बन के हमारी तैयार हुई है मंचूरियन की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाकी इसकी फुल रेसिपीज़ अगर आप देखना चाहते हों तो आप बताइएगा, तो मैं आपके साथ फुल रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब मैं पनीर है इसको भी तड़का लगाने वाली हूँ शाही पनीर बनाने के लिए। तो इसमें मैं साबुत मसाले पहले मिला रही हूँ, ग्रेवी मैंने इसकी बना ली है, बस इन्हीं साबुत मसालों को मिला करके एक बार मैं तड़का लगाते हुए इसकी ग्रेवी को पका लूँगी हल्का सा। तो देखिए ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें मैं कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल रही हूँ। मुझे पनीर के टुकड़े जो हैं वो जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल में काटे हैं ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। एकदम ना ऐसे लगता है जैसे कि शादी पार्टीज़ में जो खाना बनता है ना उसमें भी इसी तरीके के कटे हुए होते हैं, तो मैं स्पेशली इन्हें इसी तरीके से काटती हूँ। और स्क्वेयर भी काट सकते हैं पर मुझे स्पेशली इस तरीके से अच्छे लगते हैं। तो देखिए अभी ये भी बन गए हैं और इसी सेम ही डो का मैंने ना भटूरे भी बना लिए थे और साथ में नान भी बना सकते हैं। तो जैसा जिसको ऑयली पसंद हो वो इस तरीके से खा सकता है, जो विदाउट ऑयल खाना चाहते हैं वो नान खा सकते हैं। तो बना लिए हैं इस तरीके से। देखिए मेरा सारा खाना तैयार हो चुका है। ये मैंने बनाए हैं सफ़ेद चने, साथ में शाही पनीर है, ये दही है बूंदी वाला, और साथ में ये मंचूरियन है। और यहाँ पर मैंने प्लेट्स वगैरह रख दी हैं स्पून, और साथ में ये देखिए सलाद है और नान है, राइस है, और जिसको हम भटूरे खाने हो तो उनके लिए मैं भटूरे बना रही हूँ। तो बस अब इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ।
था फ्रेंड्स, मैंने ये सारी रेसिपीज बनाई हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मंचूरियन मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। मंचूरियन मेरे बेटे का फेवरेट है, और बाकी सारी मेरा जो फेवरेट है वो शाही पनीर है, और जो छोले हैं वो मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनके फेवरेट हैं। तो इस तरीके से यानी कि हम सबके ही फेवरेट मैंने एक एक चीज़ बनाई थी। और केक मैंने घर पर इसलिए बनाया था, एक्चुअली क्या हुआ कि आपको पता ही है कि आजकल जो इन्फेक्शन फैला हुआ है और आजकल केसेस भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतने बढ़ रहे हैं केसेस, तो इस वजह से ना मुझे लगा कि सेफ्टी ऑफ पॉइंट से ना घर पर बनाना ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए मैंने घर पर ओरियो बिस्किट से ही बनाया था ये, और काफ़ी सिंपल सा और आसान सा बन भी गया था। और क्रीम जो है वो मैंने मदर डेयरी से मंगवा ली थी, और बाकी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो इस वजह से केक को मैंने फर्स्ट टाइम घर पर ही बनाया है और बहुत ही डिलीशियस बना था। और यस, आपको पता है क्या, मामा अर्थ पर ना बहुत ही बेस्ट सेल चल रही है। और ये देखिए, मैंने दो प्रोडक्ट मामा अर्थ से मंगवाए हैं। एक है मामा अर्थ उपटन फेस मास्क, एंड सेकेंड इज मामा अर्थ उपटन फेस वॉश। ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो प्रोडक्ट है मामा अर्थ फेस मास्क का, ये विद सेफ्रन एंड टर्मिक एंड एप्रिकोट ऑयल से बना हुआ है। फोर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिलिकॉन फ्री है और टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो इंग्रेडिएंट हैं वो मिलाए गए हैं। इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप ना ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग एंड लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑल पर्पज़ स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ये 100 ग्राम का पैक है और मुझे 499 रुपीज़ का पड़ा है। और मामा अर्थ पर ना बहुत ही अच्छी सी सेल चल रही है, एक प्रोडक्ट के साथ आप एक प्रोडक्ट फ्री ले सकते हैं। तो आप जल्दी से इसका लिंक को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चेक कर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जा करके इसके फ़ायदे ले सकते हैं। एंड सेकेंड मैंने ये लिया है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश है विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन है इसमें भी, और फॉर टैन रिमूवल के लिए, किसी भी तरीके की सन टैनिंग जब आपके फेस पर हो जाती है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव करता है। और इसमें ना छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो आपके फेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रबिंग करते हैं, और इसमें से जो खुशबू आती है ना, माइंड ग्लोइंग खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और ये जो है वो मैंने आपको बताया है कि सिलिकॉन फ्री है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, सेम सूट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, हर स्किन के लिए ये सूटेबल है। और 100 ग्राम का ये पैक है एंड ये 249 का है, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस है आई थिंक, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया है, जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे कि बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से आप जल्दी से मामा अर्थ की साइट पर जा करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, तो जा करके प्रोडक्ट को जो भी आपको सुटेबल लगे, जो आपके लिए बेस्ट हो, आप परचेज करके इस सेल का फ़ायदा ले सकते हैं। एंड ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये बहुत ही बेस्ट हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ये मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। जब मैं इसे यूज़ करूँगी तो इसका भी एक ऑनेस्ट आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी रिव्यू। तो चलिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बर्थडे सेलिब्रेशन तो नहीं दिखा पाई हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जो रेसिपीज़ हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। और जो मंचूरियन रेसिपी है ये मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो फर्स्ट टाइम ही बनाई है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। बाकी मेरी जो रेसिपीज़ की फुल डिटेल है वो मैं अपने दूसरे चैनल इंडियन होममेड रेसिपीज़ विद नीना वाले पर भी शेयर करती हूँ। तो मेरी रेसिपीज़ को आप डिटेल में देखने के लिए उस चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।